वेतन भोगी करदाताओं को राहत। रिलीफ टू द सैलरी। सरकार ने गत 3 वर्षों के दौरान व्यक्तिगत आय कर की दरों में अनेक लाभकारी परिवर्तन किए हैं। अतः मैं व्यक्तिगत आय कर के कर ढांचे में किसी और बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता। समाज में एक सामान्य विचार व्याप्त हो रहा है कि वेतन भोगी वर्ग की तुलना में व्यक्तिगत व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की आय बेहतर होती है। आयकर आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि व्यक्तिगत आयकर संग्रहण का मुख्य भाग केवल वेतन भोगी वर्ग से ही आता है। निर्धारण वर्ष 2016-17 के दौरान 1.89 करोड़ वेतन भोगी व्यक्तियों ने अपनी कर विवरणी जमा कराई है तथा कुल 1.44 लाख करोड़ रुपए का कर भुगतान किया है, जो प्रति व्यक्ति औसतन से 76,306 रुपए कर भुगतान बनता है, which works out to an average tax payment of rupees 76,306. इसके मुकाबले व्यवसायियों सहित 1.88 लाख करोड़ व्यक्तिगत व्यवसाय से जुड़े करदाताओं ने इस निर्धारण वर्ष के लिए अपनी विवरणी भरी तथा कुल 48,000 करोड़ रुपए का कर भुगतान किया, जो औसतन प्रति व्यक्ति व्यावसायिक करदाता 25,753 रुपए बनता है। And paid a total amount of rupees 48,000, which works out to an average payment of rupees 25,753 per. वेतन भोगी करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि परिवहन भत्ता के संबंध में मौजूदा छूट तथा विविध चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के बदले में 40,000 रुपए तक की मानक कटौती की अनुमति दी जाए। तथापि दिव्यांग व्यक्तियों को वर्धित दर पर परिवहन भत्ता देना जारी रखा जाए। इसके अतिरिक्त सभी कर्मचारियों के संबंध में अस्पताल में भर्ती होने के दौरान कराए गए उपचार आदि के संबंध में अन्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति लाभ जारी रहेंगे। कागजी कार्रवाई को कम करने और इसके अनुपालन के लिए इससे मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों को उसकी कर योग्यता में कमी के रूप में कहीं अधिक लाभ पहुंचेगा। मानक कटौती किए जाने के इस निर्णय से पेंशन भोगियों को भी पर्याप्त लाभ पहुंचेगा, जिन्हें परिवहन तथा चिकित्सा व्यय के मद में कोई छूट नहीं प्राप्त होती है। इस निर्णय की राजस्व लागत लगभग 8,000 करोड़ रुपए है। इस निर्णय से लाभान्वित होने वाले वेतन भोगी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों की कुल संख्या लगभग 2.5 करोड़ है।